साथियों, बिहार ने, और ये बात पूरा हिंदुस्तान भी गर्व से कह रहा है और हर बिहारी तो गर्व से कहने का हकदार है, वो बात क्या है? बिहार ने, बिहारी है यही वो पवित्र धरती है जिसने पूरे विश्व को, मानव जात को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। इसी बिहार की पवित्र धरती से ही दुनिया में लोकतंत्र की कोपल निकली थी। जब जनता के हित में फैसले होते हैं, जब फैसलों में जनता की सहभागिता होती है, तभी लोकतंत्र भी मजबूत होता है। आज देश में, देश का चित्र देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरा नजर दौड़ाइए, आज देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एनडीए का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ को, अपने परिवार के स्वार्थ को सिर्फ उन्हीं कामों के लिए समर्पित पारिवारिक गठबंधन है। आप सोचिए, एक तरफ लोकतंत्र गठबंधन, दूसरी बात परिवार तंत्र गठबंधन। यहां जंगल राज के युवराज को तो आप बराबर देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी का दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ करके सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे आप? जवाब देंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के महान देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? सरदार साहब ने देश को एक किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सरदार साहब देश के लिए जिए कि नहीं जिए? सरदार साहब ने पूरा जीवन सिर और सिर्फ देश के लिए लगाया कि नहीं लगाया? सरदार साहब कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? फिर भी कांग्रेस पार्टी एक परिवार में ऐसी सिमट गई है, ऐसी सिमट गई है, कल सरदार साहब जैसे महापुरुष का जन्म जयंती थी, लेकिन इस परिवार ने उन्हीं के, कांग्रेस के नेता रहे हुए देश के महापुरुष सरदार साहब को स्मरण करने में भी इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। भाई, ये परिवारवाद, सरदार साहब न भाजपा के थे, न आरएसएस के थे, न जनसंघ के थे, लेकिन इस मां के लाल थे, मां भारती के लाल थे। उनका गौरवगान करना 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है।